धारचूला के तवा घाट चिरकला रोड पर शुक्रवार शाम एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उसमें सवार नवविवाहिता की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में उसके पति सहित चार लोग घायल हो गए। शुक्रवार शाम डिग्गी बगड़ के पास एक अल्टो कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार सड़क से लगभग 50 मीटर खाई में जा गिरी। कार में सवार सभी यात्री सयाकुरी से गरगुआ जा रहे थे। इस हादसे में शादी के बाद पहली बार मायके जाकर अपने ससुराल लौट रही नवविवाहिता पूजा धामी, उम्र 22 साल, पत्नी देवेंद्र धामी की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में उसका पति देवेंद्र, उम्र 28 साल, पुत्र आन सिंह धामी भी गंभीर रूप से घायल हो गया। थाना पांगला पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को CSC धारचूला पहुंचाया। सभी घायलों का यहां उपचार चल रहा है। उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पूजा व देवेंद्र का धूमधाम से 15 मार्च को गरगुआ के मंदिर में विवाह हुआ था। शादी के बाद वो अपने पति के साथ मायके जाने की रस्म निभाने गई थी। दोनों ने रास्ते में अपने भविष्य को लेकर कई सपने देखे और आपस में बात की। किसे पता था कि उनके सारे सपने सयाकुरी से महज 9 किलोमीटर दूर जाकर हमेशा के लिए मिट्टी में दफन हो जाएंगे। घर से 2 किलोमीटर पहले ही पूजा की मौत से उसके पति देवेंद्र को भी गहरे जख्म दिए हैं। उसके शरीर में ही जख्म नहीं है, मन भी बुरी तरह घायल है। वो इस हादसे के बाद किसी से बात तक नहीं कर पा रहा है। सयाकुरी से मृतका पूजा के मामा धर्मधामी भी दूसरे वाहन से पीछे से गरगुआ के लिए आ रहे थे। उनके सामने हुई इस कार के दुर्घटना के बाद उन्होंने भांजी को बचाने के लिए तेजी से खाई में छलांग लगा दी। उन्होंने बताया कि कार के साथ साथ ही वे अंतिम बिंदु तक पहुंचे जहां कार अटकी थी। मामा कार तक पहुंचे थे कि तब तक भांजी ने दम तोड़ दिया था। पहाड़ की यादें, कुमाऊनी किस्से, हमारी संस्कृति, अनेक वन संपदा, अनेक पक्षी और पुराने दिन, इन सबको दिखाता है ये YouTube चैनल। आइए इस चैनल से जुड़ें, जिसका नाम है झूठे व्लॉग। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।